बिलासपुर के स्वारघाट कस्बे के समीप संतोषी माता मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर एक I-10 लाल रंग की कार सड़क से लुढ़ककर 600 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें स्वारघाट अस्पताल भर्ती करवाया गया है। I-10 कार नंबर HP 3195, जिसमें एक परिवार के 5 लोग सवार थे, जिला मंडी के गाँव अलसू डाकघर देहर घर से जिला सोलन के बद्दी जा रहे थे। कार में सवार 5 लोगों में नागर सिंह, योगराज, पल्लवी, यशिति और वे भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि नागर सिंह व इसके बेटे योगराज व पुत्रवधु पल्लवी व इनके पोते को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि नगर सिंह की पोती को बिल्कुल मामूली चोटें आई हैं। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना स्वारघाट की ASI सहदेव दत्त अपनी टीम के साथ दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि घटना के समय जब लोग वहां खड़े थे लेकिन खाई में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तभी बिलासपुर से चंडीगढ़ की तरफ अपनी कार में जा रहे फौजी भाई कैप्टन संजीव व उनके साथियों ने सभी घायलों को कार से निकालकर सड़क तक लाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट पहुंचाया। इस मौके पर फौजी भाई का कहना है कि स्वारघाट के सरकारी अस्पताल की हालत बड़ी खस्ता है। केवल एक ही डॉक्टर है जो अस्पताल में OPD भी देख रहा है और अस्पताल व दुर्घटना के शिकार घायलों का इलाज भी कर रहा है। ऊपर से स्वारघाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीने के पानी दूर की बात, लेकिन हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बड़ी बड़ी बातें हर रोज सरकार द्वारा की जाती हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। निकल गया ट्रक से आगे निकल, तो ट्रक वाले ने मेरे जो बैक को ना जी जो पीछे डिक्की को वो मारा, टक्कर मारी और मैं ऐसे चला गया। फिर मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाया, मतलब वो हुआ ना